लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ये यूटी बनी है शायद हालात ठीक नहीं हुए हैं और ज्यादा खराब हुए हैं, जिसके कारण हम डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, हम मानते नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती आज लोग जब भूखे नहीं मरते साठ साठ। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत कादरी। आज हम चीफ इंजीनियर पीएचई के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में हैं, जहां पे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरान, क्या नाम है सर आपका? नवदीप सिंह। नवदीप सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही है और यहां पे काफ़ी दिनों से जो है प्रदर्शन चल रहा है पीएचई के काम छोड़ हड़ताल को लेकर। सर स्वागत है आपका अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में, और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे आपका जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में। देखिए, ये जो हमारा प्रदर्शन जो आज 13वां दिन जो इस वक्त शामिल हो चुका है, हमारी मुख्य जो डिमांडें थी डेली वेजर का जो एक परमानेंट करना, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे कि सरकार यहाँ पे चेंज हो गई है कि 370 टूटने के बाद स्टेट को इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया है, और कल भी आज भी आपने अखबार में देखा होगा कि एलजी साहब ने कितने कानून बदले हैं, लेकिन हमारा कानून वहाँ का वहीं पे है। जो परमानेंट मुलाजिम थे उनको सभी बेनिफिट दिए गए यूटी के मुताबिक, लेकिन आज तक जो डेली वेजर हमारे भाई जो इस वक्त सड़कों पे उतरे हुए हैं, इनके लिए एक साल से अभी तक हमने, कभी इनका गवर्नर चेंज हो जाता है, कभी इनका कमिश्नर चेंज हो जाता है, कभी कोई चेंज हो जाता है, लेकिन लिहाजा इन लोगों ने, इन जो पीएचई के, जो पीएचई नहीं हम कहते हैं 61,000 जो जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं, कैजुअल लेबर हैं, उनके साथ सभी सरकारों ने धोखा किया है। जो पुरानी सरकारें थी, चाहे वो कुलिशन में हो, चाहे वो पीडीपी कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी आई हो, हमें बीजेपी पे बहुत वो था कि हमने सेंटर में बीजेपी है और यहाँ भी उन्होंने यूटी बनाई है, शायद यूटी के हमें बहुत बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ये यूटी बनी है शायद हालात ठीक नहीं हुए हैं और ज़्यादा ख़राब हुए हैं, जिसके कारण आज जो हमारे जो डेली वेजर हैं सड़कों पे उतर रहे हैं। और लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन गवर्नमेंट को इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन लोगों के बारे में जिनका एलजी साहब का बयान आता है कि हम अगर ये गन छोड़ते हैं तो हम इनको रिहैबिलिटेट करेंगे। अगर वो देश के खिलाफ अगर वो गन उठा रहे हैं, गन छोड़ेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, हम देश के साथ चल रहे हैं, देश के नारा लगाते हैं, तो क्या हमें, हम लोग, हमारे परिवारों को नहीं पूछा जाएगा? सर आपको याद होगा 5 अगस्त, पिछले साल 5 अगस्त जब 370 को हटाया जा रहा था, तब बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ये 370 हटाएंगे उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है, मिस दूध की नदियाँ बहेंगी यहाँ पे, शहद की नदियाँ बहेंगी। क्या लगता है वो वादे जो थे वो झूठे थे? आज भी वो लोग जो हैं सड़कों पे हैं जो पुरानी सरकारों के टाइम भी लोग सड़कों पे थे? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इस वक्त जो सरकारें चेंज हुई है, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास था 370, जो कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, शायद हमने पॉलिटिकली, हमारा इनके साथ कोई नहीं है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये है कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ वायदे किए कि 370 हटेगा, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेगी, यहाँ से बाहर की फैक्ट्रियाँ आएगी, यहाँ पे आपको जैसे मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पे उनको तनख्वाहें मिलती हैं, यहाँ पे मिलेंगी। मुझे बताइए, जब से यूटी बनी है कौन से मसले हल हुए हैं यहाँ पे? वो ठीक है कि कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पे आज देखो फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सेंटर के लिए उन चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन ये जो बंधुआ मजदूर आज 26 साल से जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इसके लिए कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारे परिवार, कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया है। और मैं नहीं कहता हूँ कि इस सरकार जो यूटी बनने के दौरान नहीं किया है, इससे पिछली सरकारों के दौरान भी हुआ है, ये सभी कातिल हैं। सर हर बार जब इलेक्शन आते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, सबके वादे होते हैं कि हम साथ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट होता आखिर कुछ भी नहीं है, अपना टाइम बिता के सभी चले जाते। सर मोदी जी ने वादा किया था जब यहाँ पे, जब इलेक्शन के टाइम यहाँ पे एमएम स्टेडियम में मैं सुनने गया था, मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम 61,000 डेली वेजरों को पक्का करेंगे और ये ऑन रिकॉर्डिंग भी होगा,
लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी जी आप एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप कभी झूठ भी बोलते हो। और शायद उनका झूठ बोलने का कारण यहाँ के जो उन्होंने 25 MLA बनाए और यहाँ पे जो उनकी यहाँ पे कमांड कर रहे हैं ये लोग, ये उनको गलत मैसेज देते हैं सेंटर के अंदर कि, लेकिन उनको यहाँ का ये अंदरूनी जो यहाँ के मामलात हैं शायद उनके तक नहीं पहुँचते हैं। कहा जाता है कि चिंता नहीं करनी, हर बार जब भी हम क्वेश्चन उठाते हैं, जब भी हम उनके रूबरू होते हैं तो हम बात उठाते हैं, चाहे वो PHE मुलाजमीन की हो या फिर PDD की मुलाजमीन की बात हो, तो उनका एक ही आंसर आता है वहाँ से कि चिंता नहीं करनी, असी बैठे दे हैं। तो सर क्या लगता है कि ये सिर्फ खोखले दावे ही किए जाते हैं? चिंता की जो बात है मैं कहता हूँ कि वो हमें, आप लोगों को बोलते हैं कि चिंता नहीं करनी जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं कहता हूँ कि चिंता नहीं, हमें चिता पे इन्होंने लटा दिया है, अब ये मरने की कगार पे हैं। ये चिंता नहीं है, ये हमारी चिताएं बना रहे हैं। आप खुद ही समझदार लोग हैं, इन लोगों का क्यों नहीं ये मसला हल करते हैं? 26 साल का मसला पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम नहीं कहते हैं कि उनको आज दो दिन। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जो आप लोगों के मसले हल करेगी? सभी सरकारों को देख लिया, सभी सरकारों को आपने पहचान भी लिया, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो आप लोगों के मुद्दे हैं, जो मसले हैं? देखिए सर, हम क्लियर कट बता रहे हैं, 61,000 डेली वेजर, मैं क्लियर कट अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अगर हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, अगर हमारा काम नहीं हुआ, तो मैं 61,000 डेली वेजरों के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं ये लाखों की तादाद में जाएंगे, और ये वोट जो है ना PDP को मिलेगा, ना कांग्रेस को मिलेगा, ना BJP को मिलेगा, उनका जो बटन के ऊपर, नोटा के ऊपर हम डालेंगे। हम डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, हम मानते नहीं। अगर डेमोक्रेसी होती आज लोग जब भूखे नहीं मरते, 60-60 महीने की पे इनका वेतन। मोदी साहब का एक स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास। आज सबका विकास, साथ सबका विकास देखने को मिल रहा है सर। नारा तो उनका बहुत अच्छा था कि सबका विकास सबका साथ, और एक नारा उनका और भी था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए मुझे ये मजदूर लोग, 61,000 मजदूर लोग जिनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, आने वाले कल का भविष्य, ये कहाँ से पढ़ाएंगे? जिनको वेतन ही नहीं मिलेगा, इनको रोटी कहाँ से मिलेगी? अगर इनको रोटी नहीं मिलेगी, अपने बच्चों को कैसे आगे इनका भविष्य बनाएंगे? मुझे तो बताओ मोदी जी, आपके जो स्लोगन्स हैं सारी दुनिया मानती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी सोचो, उनको वेतन नहीं दिया जाएगा तो बेटी कहाँ से पढ़ाएंगे? वो स्कूल वाले तो निकालेंगे, कैसे भविष्य बनेगा देश का? बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप हमारे पीछे, बहुत सारे मुलाज़मीन जो हैं वो आज काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पे हैं, लेकिन बातचीत करने वाला कोई नहीं है। इसी पे हमें दे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान बशारत कादरी।